लास्ट हम लोगों ने समाज शास्त्र के बारे में व्याख्या किया था। समाज शास्त्र क्या है बता दी, मैंने चर्चा की क्या है समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र को आपने समझ गया।
ये समाज के अनुसार ही होता है। दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है कि आने वाले समय में है ना, दर्शन शास्त्र अगर हम पढ़ते हैं है ना, तो क्या है दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन दर्शन का मतलब किसी व्यक्ति को साधन पहुंचा या भाषा को भी जहाँ उत्साह भेंट हुई दर्शन है ना, उसी तरह एक व्यापक सोच होनी चाहिए है ना कि हमने अगर समाजवाद में कॉमर्स रखा है तो इसका क्या दर्शन है, हम क्यों रखते हैं, आने वाले समय में हमें ये कहाँ तक इसकी उपयोगिता होगी, अगर ज्योग्राफी हम उस रखते हैं है ना तो आने वाले समय में क्या उपयोगिता होगी, हम ऑनर्स करेंगे उसके बाद उसको जॉब के लिए सोचना होगा, ये क्या है दर्शन। दर्शन का मतलब भविष्य के लिए हमको सोचना है कि किस तरह से हम अपने भविष्य को, तो ये क्या है कि दर्शन शास्त्र हमें बोध कराती है कि आने वाले समय में हम किस तरह से अपने आप को स्थापित करें है ना, तो ये दर्शन शास्त्र। अब हो गया समाजशास्त्र और ज्योग्राफी जिसको बोध, तो समाजशास्त्र ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी का क्या मतलब है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है ना, जैसे बिहार को अगर हम देखते हैं और अगर झारखंड को देखते हैं तो बिहार क्या है, वहाँ का मैदानी क्षेत्र है, झारखंड क्या है पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ की क्या स्थिति है पठारी क्षेत्र है, तो लोगों का क्या तुलना करता है कि जैसे मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ की क्या स्थिति हो सकती है ना, मतलब हम वहाँ पर क्या विकास कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या कि फसल की ज़्यादा उपयोगिता होगी है ना, बिहार में क्या होता है फसल ज़्यादा होता है, तो उस तरह से ज्योग्राफिकल जो कंडीशन होता है वो हमको निर्धारण करने की शक्ति देता है। अब जैसे पठारी क्षेत्र है झारखंड, तो यहाँ पे क्या स्थिति हो सकती है, क्या हो सकती है पठारी कानून है, मतलब यहाँ पे हम इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं है ना, ज्यादा काम है वहां पे कम कर सकते हैं, छोटा छोटा कुटीर उद्योग कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी कर सकते हैं कम, क्योंकि वहां का मैदानी क्षेत्र है तो, और यहाँ पठारी क्षेत्र में क्या है इंडस्ट्री का अवसर ज्यादा है खेती का कम, तो इस तरह से सोशियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन ये निर्धारण करता है। इस तरह से पूछ देता है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है, तो समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र क्या है कि ये हमें जो भी एक हम चलते हैं, अगर गांव से चलते हैं और हम देश में चलते हैं, गांव का क्या है गांव में मुखिया होता है जो आसपास क्षेत्र को नियंत्रण करता है, फिर हम छोटा छोटा जिला में तो जिला में भी लोग नियंत्रण करते हैं, ये क्या है उसके पतन होता है, फिर हम देश में तो देश क्या करता है नियंत्रण करता है, वहाँ से क्या होता है कंट्रोल होता है गांव से देश तक, तो ये क्या कौन दरअसल इसका देख रेख करता है राजनीति शास्त्र है ना, तो क्या डेवलपमेंट करना है ना, आगे क्या सुविधाएं देनी है, तो जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं जैसे भी विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र के लिए अपने विधानसभा के लिए डेवलपमेंट करते हैं, फिर आगे आप जाएंगे तो मंत्री हो तो मंत्री उसका देखते, तो इस तरह से समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में ये संबंध है, फिर आप जान जाएगा कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब समझ रहे हैं मनोविज्ञान, तो समाजशास्त्र और समझ रहे हैं क्या है और मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है कि उसके इससे संबंधित है ना कि हम तुम्हारी बातों को उनको देखकर हम समझ सकते हैं कि तुम आगे क्या करने वाले, जैसे अभी भी है ना तो ऐसा लगा कि हम क्लास के तुम कर भी नहीं कर सकते, हमने बोला कि ठीक है हम अपने क्लासेस हो गई तो तुम आ गए, तो इसका मतलब है तुम इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, अगर बात होती पढ़ने में और तुम चले जाते नहीं मतलब अगर तुम चले जाते तो लगता है कि इसकी सिर्फ आया और इसको पढ़ने
कि आप आगे क्या करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो हर विषय का संबंध होता है और एक दूसरे से पारस्परिक संबंध होता है। अब नेक्स्ट क्या है, समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं मानव शास्त्र, दोनों एक दूसरे का रिलेशनशिप है। लेकिन हम लोग इसमें समाज का अध्ययन करते हैं, अलग अलग विषय साइकोलॉजी में है जो कि हम उसका अध्ययन करते हैं। मतलब हम जैसे बड़े बड़े विद्यालय में महाविद्यालय में साइकोलॉजिस्ट हुआ करते हैं, है ना। साइकोलॉजिस्ट का मतलब है कि आखिर क्या परेशानी है, वो हम अगर कोई बीमार है तो बड़ा साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। जैसे अगर पार्टी में क्या है वहाँ पे पागल खाना, तो वहाँ कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि वो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कि आखिर किस वजह से ये पागलपन का दौरा आता है, इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, वो क्या है इसको वापस ठीक कर सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत हद तक तो साइकोलॉजिस्ट समझता है, तो उसका यही काम है लोगों को मनस्थिति को जानते हैं। समाजशास्त्र का ही काम नहीं, समाजशास्त्र का सिर्फ हम समाज के बारे में समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। समाजशास्त्र धीरे धीरे बहुत विस्तृत करना हो जाता है, विकास कैसे करना है। तो जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी बढ़ेगा तो हम हमारा इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का मतलब है कि हमको मैनेजमेंट का एक पार्ट करना है, है ना। तो मैनेजमेंट की जैसे बहुत बड़ा कंपनी होता है तो वो क्या करता है, कभी कभी वो हड़ताल पर चला जाता है, तो वहाँ ये क्या करता है मैनेज करता है कि किस तरह से उसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो दोनों, और ये साइकोलॉजिस्ट अलग हो गया, उसको मनस्थिति को देखते हुए तुम देख करके बता देगा कि तुम्हारा आगे क्या सोच है। विद्यालय या महाविद्यालय क्या है कि एक टीचर होते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट एम बी ए होते हैं वो होते हैं। Exactly.
तो ये ऐसा हुआ कि कर्म के आधार पर बढ़ गया, जैसे जो जैसा कर्म किया उसके आधार पर आज वही परंपरा चल रहा है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा। हाँ, तो इस तरह से कर सकते हैं, ये इस तरह की बात है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सभी विषय ज्योग्राफी के बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में, है ना, अर्थशास्त्र के बारे में, है ना। इस तरह से देखते हैं कि आज हमारा समाज विकास की ओर चल रहा है, और जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, उसी प्रकार हमारा देश का विकास होगा। अर्थशास्त्र हमारी आर्थिक व्यवस्था को देखती है, या परिवार हो, समाज हो, जिला हो, राज्य हो, या देश हो। इस तरह से कह सकते हैं कि इन इनमें समाजशास्त्र और अन्य विषयों में यही संबंध है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है, क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या विज्ञान नहीं है या कला है, डिफाइन करें। दूसरा है, हाँ, तीसरा है कि क्या समाजशास्त्र की किस तरह से विकास हो रहा है, इसके क्षेत्र क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम लोगों ने पढ़ा कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों से क्या संबंध है, जैसे राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, है ना, उसके बाद भूगोल। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देना कि व्हाट इज द सोशियोलॉजी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अदर सोशल साइंसेस। तो इतना पढ़ते हैं, तो आप नेक्स्ट जब आएंगे तो क्वेश्चन व्हाट इज सोशियोलॉजी, उसका आंसर लिखेगा, लिखे लाइएगा व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इसके क्षेत्र क्या है। तो क्वेश्चन हो गया, है ना, क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या कला है या दोनों है, तीन क्वेश्चन हो गया। चौथा हो गया कि समाजशास्त्र और अन्य विषयों का क्या संबंध